अब वॉलेट की प्राइस के लिहाज से ये चीज़ काफ़ी मुझे मुतासर कर रही थी। जिस प्राइस टैग में ये आ रहा है उस प्राइस टैग में काफ़ी अच्छी हमें इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। बाय द वे मैं पर्सनली खुद यूज़ करूँ, आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर मेरी चीज़ें पड़ी हैं मार्केट से, तो 350 रुपीज़ का मैं लेके आया था ये जो वॉलेट है ये। तो आपके पास बहुत ज़्यादा रोकड़ा है तो फिर आप ये बहुत बड़े वाला ले सकते हैं अगर आप स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब आबाद एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में जैसे आपको पता है कि आज एक छोटी सी प्रोडक्ट है जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैंने सोचा क्यों ना आपको ही बताया जाए। तो दैट्स वाई आज आपके लिए भी वही प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम सीधा प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो कि एक छोटा वॉलेट है। अब वॉलेट की प्राइस के लिहाज से ये चीज़ काफ़ी मुझे मुतासर कर रही थी, दैट्स वाई कि मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। तो बताने का मकसद भी यही है कि कम प्राइस में एक तो ऐसी चीज़ मिली है जो कि काफ़ी टाइम निकाल सकती है और साथ में आपको एक अच्छी चीज़ भी मिलती है उस जिस प्राइस टैग में ये आ रहा है उस प्राइस टैग में काफ़ी अच्छी हमें इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। बाय द वे मैं दराज से ही मैंने मंगवाई है तो इस पैक में आई है। तो यहाँ पर इसका ये रैपर था, पीछे जो चीज़ लगी होती है वो। उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी इसकी देखी जाए तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। एंड ऊपर यहाँ पर गुची का एक इन्होंने फेक सा लोगो दिया हुआ है। जाहिर सी बात है यार, जब प्राइस आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये गुची का वॉलेट है भी। तो उसके अलावा यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर पर्सनली खुद यूज़ करूँ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर मेरी चीज़ें पड़ी हैं, आईडी कार्ड पड़ा है, कुछ बैंकिंग के कार्ड पड़े हैं। तो इसके 3 यहाँ पर होल्स हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ये वाला सेकंड बैंक जो कार्ड है यहाँ पर है एंड थर्ड वन यहाँ पर है। तो आईडी कार्ड वाली जगह पे एक यहाँ पर आते हैं एंड सेकंड यहाँ पर आते हैं एंड थर्ड लास्ट जो बड़ा जिसमें आप पैसे डालते हैं वो एक ही है विदाउट जिप के। ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा मुतासर इसकी क्वालिटी ने किया है प्राइस के लिहाज से। तो दराज में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मंगवाई हैं मैंने, तो वीडियोस के लिए मंगवाई थी कि रिव्यूज़ वगैरह करूँगा ऐसे। तो उसके साथ स्क्रॉल करते करते मुझे वॉलेट भी दिखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये वाला वॉलेट मंगवा चुका था बल्कि लाया था खुद जाके बाज़ार से मार्केट से। तो 350 रुपीज़ का मैं एक लेके आया था, ये जो वॉलेट है ये लेदर का है तो ऊपर से हैवी भी बहुत है, जिप इसके साथ लगी है, एक जिप दूसरी जिप ये स्टाइलिश है लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको पता है कि काफ़ी इसमें हैवी है, हैवी चीज़ें। तो उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कार्ड जो मेरे वगैरह पड़े हैं सारे ये हैं। तो इस कंपेयर टू दिस वन ये काफ़ी हल्का और काफ़ी सस्ता है इस वाले से। तो आपके पास बहुत ज़्यादा रोकड़ा है तो फिर आप ये बहुत बड़े वाला ले सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं मेरी तरह, तो कम पैसे जो आपके पास होते हैं तो जाहिर सी बात है ये कैरी करने में एक ईजी रहता है, लाइट वेट है, कैरी करने में भी ईजी रहता है। एंड मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू दिस वन, ये भी काफ़ी अच्छी है। मैं नहीं बोल रहा कि ये ख़राब है लेकिन ये कि मेरे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ये ओवर वेट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ मैंने मंगवाई एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्राइस की बात करते हैं, जस्ट 99 रुपीज़ में आपको ये चीज़ दराज मिल जाएगी। हो सकता है कि आगे जाके प्राइस बढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि प्रोडक्ट ही ख़त्म हो जाए। तो पहले मैं ऐसे वीडियो बना चुका हूँ जो कि दराज में मैंने लिंक वगैरह दिए एंड वो प्राइस की उस प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो काफ़ी हाई चली गई। तो मुझे बोलने लगे भाई ये तो फेक है, ये तो झूठ है, ये तो भाई जब मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ ना उस लिहाज से डॉलर्स को देख लिया करें कि आप डॉलर कहाँ पे रहे हैं, अपने डॉलर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होती, ना ही मेरा सेलर से कोई कॉन्टैक्ट होता है, जस्ट चीज़ मंगवाता हूँ अगर मुझे अच्छी लगे तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि यार ये चीज़ आप मंगवा लें। तो अब आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।